राम दीदी आज अपनी मोबाइल ऐप के जरिए ग्रामीण महिलाओं को फूड बिजनेस की ट्रेनिंग देती है और गांव जाकर वहां उन्हें क्वालिटी और हाइजीन के साथ फूड प्रोडक्ट्स बनाना सिखाती है। हमारे अब तक 1500 से अधिक दीदियां हमसे जुड़ चुकी है, जिसमें से 70 से अधिक दीदियां फार्म दीदी बन चुकी है। तो शख्स, हम चाहते हैं कि ग्रामीण महिलाओं के माध्यम से देश के लाखों परिवार तरक्की करें, और अपने इस मुकाम को तेजी से हासिल करने के लिए हमें चाहिए आपका आशीर्वाद और 50 लाख की इन्वेस्टमेंट 2% इक्विटी के लिए। ऑलराइट, नमस्कार। 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 एक काफी बोल्ड लक्ष्य के साथ आपने अपनी पिच सुनाई कि 10 लाख महिला को आपको रोजगार देना है, तो ये 10 लाख नंबर आया कहां से? सर, एक बात क्लियर थी कि जब अपनी इतनी अच्छी फैंसी जॉब्स को छोड़ के कुछ काम करना था तो बहुत बड़ा करना था, छोटे मोटे के लिए तो नहीं छोड़नी थी जॉब, असल तो करनी थी। मेरे ख्याल से विनीता मैम भी हमेशा यही कहती हैं, तो फिर बड़ा ही क्यों ना करें। तो ये एक तरह से सिर्फ बिजनेस नहीं, आपका पर्पस ड्रिवन बिजनेस हो गया। यस यस यस। मेरे को याद है, एक कल की बात है, फार्म दीदी से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कुछ अच्छा। कुछ लेके आई हूँ मैं आपके लिए, मैं दिलवाऊंगी आपको। मैं आपको उनकी बात याद दिला रहा था कि उन्होंने कुछ कहा था। ठीक है जी। एक तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस सीट पर बैठ के, पहले मिलता है। थैंक यू अनुक्ति। सबसे पहले तो आम का अचार, जो सबको सबका फेवरेट आम का अचार है, सबसे बेस्ट सेलर प्रोडक्ट, इसमें नीम के पत्ते भी डले हैं। मेरे पापा और भाई का फेवरेट चिली पिकल भी है, जिनको तीखा बहुत पसंद है। मुझे भी तीखा पसंद है, चिली पिकल बहुत अच्छा है। थैंक यू, एंजॉय किया। और एक खट्टा मीठा नींबू का अचार है, जो हर लड़की का फेवरेट होता है। लेमन पिकल बहुत अच्छा। ये जो आपने सर्व किया है ना, बहुत अच्छे से किया है, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, एंड बहुत यम्मी अचार है। थैंक यू। करेला का अचार मैंने पहली बार खाया। हां जी, वो ऑयल फ्री में है। मैं खाती नहीं हूँ करेला, लेकिन मुझे करेला का पिकल बहुत पसंद आया। एंड मेरे जैसे गुज्जू को अगर छुंदा पसंद आया, मतलब आपको अप्रूवल मिल गया, अभी सिर्फ थेपले की कमी है। अभी धंधे पे चलते हैं, सेल्स बता दो। बता दीजिए। 6 लाख, 7.6 लाख और 10.1 लाख, ये हमारा लास्ट 3 मंथ्स का सेल है। साल वाइज फर्स्ट ईयर में हमारा 55 लाख का सेल था, हमने जून 2022 में सेल्स स्टार्ट किया था, और अभी तक इस साल हमारा 60 लाख के अराउंड सेल हो चुका है। और साल तक कितना होगा? सर 1.5 CR का वैसे हम टारगेट लेके चल रहे हैं। सप्लाई प्रॉब्लम है या डिमांड प्रॉब्लम? अभी हमारे लिए डिमांड जनरेट करना ही मेन टारगेट है, क्योंकि दीदी हमारे पास हैं जो रेडी हैं, जिनको हम बिजनेस दे सकते हैं। क्या प्राइसिंग है आपकी? मदर्स रेसिपी से कंपेयर करके बता दो ना कितना ज्यादा है। मैम उनसे कंपेयर करेंगे तो उनका अराउंड 350-400 kg आता है, हमारे 800 kg आते हैं। 100% प्रीमियम ब्रो, बट उससे हमारे से महंगे भी काफी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे 2000 रुपए किलो भी दे रहे हैं। अच्छा, आपने 25 करोड़ का वैल्यूएशन मांगा है, आपकी सेल्स है 1 करोड़। ऑप्टिमिस्टिक भी अगर मैं आपको वैल्यूएशन दूं, तो मैं 5 करोड़ से ज्यादा नहीं दे सकती हूं। तो आई थिंक ये 20 करोड़ का वैल्यूएशन करके थोड़ी सी आपने गलती कर दी है, थोड़ा सा आपने सेल्स के हिसाब से एंड नॉट आपके एम्बिशन एंड फ्यूचर सेल्स के हिसाब से आपने वैल्यूएशन मांगना चाहिए। दैट इज माई सिंसियर फीडबैक, आई एम आउट। 50 lakhs for 10%, so valuation of 5 crores, okay. Straight equity, that's my offer. मैं भी आपको same offer देता हूँ, I would actually like to partner with Anupam, if Anupam is okay, of course. मैं आपको 50 lakh offer करती हूँ for 5%, which is a 10 crore का valuation. Good. Vinita का offer बहुत अच्छा है, तो unfortunately मैं भी out हूँ, क्योंकि आपको help तो मिली गई है. I think ये जो offer आपको मिला है, मैं वहाँ तक नहीं जा पाऊँ. In terms of valuation, so I'm out. मेरा ऑफर वही है, 50 लाख 10%। I think विनीता अकेले करना चाहती हैं। अगर वो अकेला नहीं करना चाहते तो फिर भी मैं जुड़ जाता। चलो विनीता, आप अकेले क्यों करना चाहते हैं? छोटा डील है, इसमें मल्टीशार्प डील का स्कोप नहीं है। एक काम करते हैं, let's make it easier. We will give you 1 crore, okay? एक सेकंड, अभी उसको बोलने दीजिए, you finish. If she's okay, she's okay. If otherwise, no problem. So because I think we want 5% each minimum on the same terms, so then you have 1 crore of money. Guys, let's make a decision. क्या decision है? बताइए final. सिर्फ दोनों मिलेंगे तो बहुत अच्छा है.
चलिए तो बताइए डील पक्की पक्की डील पक्की। ऑलराइट कांग्रेचुलेशंस गाइस, गुड वन। अब हर घर में होगी फार्म दीदी। अरे वाह लवली। और विनीता दीदी और पीयूष भैया, थैंक यू थैंक यू। Hi Sharks, my name is Anish Malpani. मैं Without का founder हूँ और हमारी company Without हमारी patent pending technology से ये MLP के multiple layers separate करती है और उसमें से हम materials extract करके हमने ये बनाया है। ये दुनिया के first recycled sunglasses है जो chips के packet से बने हुए हैं। ये ऑल्सो हाई क्वालिटी ड्यूरेबल लाइट और रिसाइकलेबल है। मगर सच यह है शार्क्स कि सनग्लासेस अकेले इंडिया का वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करने वाले, मगर इट्स अ स्ट्रॉन्ग प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दैट तुम MLP को भी ठीक तरह से रिसाइकल कर सकते हो। इंडिया में लगभग 15 लाख से ऊपर वेस्ट पिकर्स बहुत गरीब जिंदगी बिताते हैं। वो अपने लाइवलीहुड के लिए हमारे लैंडफिल्स में बहुत खतरनाक काम करते हैं। हम उन्हें हमारे कंपनी में फॉर्मलाइज करके उनको सम्मानित काम देते हैं और उनका जीवन बेहतर करते हैं। तो शार्क्स, हमारी कंपनी विदाउट दिल से एक इम्पैक्ट फर्स्ट स्टार्टअप है। आज हम इधर स्ट्रेटेजिक पेशेंट इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स से जुड़ना चाहते हैं जो हमारे लॉन्ग टर्म विजन से सहमत है। हमारी आस्क इज 75 लाख्स फॉर 1% इक्विटी। आपने क्या क्या बोला था? स्ट्रेटेजिक पेशेंट Impact investors and somebody who expects no return. I wouldn't say no return. I would say that respect Anish, capital. Welcome to Shark Tank India season 3. Thank you. तो ये हमारी lab है पुणे में. This is हमने खुद ये reactor बनाया हमारे lab में, जहाँ पर हमारी patent pending process होती है. Then हम उसे एक extruder में डालते हैं, जहाँ पर वो compound होकर एक filament आता है ऐसा. फिर उसको हम pelletize करके pellets बनते हैं. तो ये injection है? It's an ounce injection molded, like this. किसी ने ये technology globally नहीं crack की है या आप सिर्फ India में पहले हो? अभी तक ऐसा किसी ने नहीं किया। आप samples दे दीजिए तो कि हमको finish और build का समझ में आए। ये क्या है? Coasters. Okay. Thank you. You have a women's product? Yes, that's okay. Kata. प्रोडक्ट आपके अच्छे। ये ग्लासेस भी इसी से बने हैं? नहीं नहीं नहीं, ग्लासेस हम जस्ट सोर्स करते हैं। नेम एंड लोगो इज प्रीटी इंटरेस्टिंग थिंकिंग। हमारे 3 प्राइसेस है। 1,000 rupees फॉर द बेस मॉडल विद नॉट वेरी ग्रेट लेंसेज, देन यू हैव द स्लाइटली बेटर लेंसेज एट 1599, एंड देन यू हैव द रियली नाइस लेंसेज द मिरर पोलराइज्ड वंस फॉर 2500। वी ऑफर प्रिस्क्रिप्शन ऑल ऑफ दैट एज वेल। व्हाट वाज द लास्ट राउंड रेज्ड एट? 4.9 crores we've closed. At what valuation? Cap was 52 crores and the floor is, agar 3 saal mein humne convert nahi kiya, to then it's 30 crores mein convert ho jata hai. Okay. And then the 1.4 million, humare paas ek lead investor hai, humare paas ek non-binding term sheet from a foundation based in the UK aa gayi hai. What valuation? 64 crores. 12 crores at 64 crores, approximately. This was the plan. People actually, if you talk about the young generation, पहले कोई नहीं पूछता था what are you doing for sustainability, what are you doing for the environment. एक time होता था जब हम पटाखे उड़ाते थे, लड़ी बोलते थे, हम लड़ी उड़ाते थे. आजकल हमारे बच्चे पटाखे भी नहीं उड़ाने देते. So this new generation cares. I think this can itself be a crazy brand. So you hit a very interesting point. So our ambition with Without is not a B2C brand. And it's not a B2B brand. Ideology. It's a concept brand. Yeah, right? Whenever Piyush or you put Without as a logo, Boat X Without, your customer is like, see, partnering with these guys whose whole DNA is ki boss sustainable environmentally and socially. Yeah, it's a beautiful concept. It's like an Intel inside strategy. Shall I make you an offer? Oh. 30 lakhs for 1%. Rest debt at 2 years at 10%. R&D में अच्छा काम शायद किया है. I'm not able to validate that today. क्योंकि आपने एक proof of concept glasses बनाए हैं, but you don't have any other large clients buying a lot of material from you, right? उसके लिए 75 crores is very very difficult. Even 64 crores is very very difficult. So I'm out. Good luck. As an investor, I am not sure how I will make money at a 60-75 crore valuation. So that's where I am getting stuck.
for that reason I am out, but genuinely great cause. Wish you the best of luck. Thank you, Radha. ये जो आप टर्म शीट की बात करें उसकी वजह से बेंचमार्क नहीं हो सकते बिकॉज आई एम ओपन टू टेकिंग द बेट बट नॉट ऑन द बेसिस के किसी और ने एक टर्म शीट दे रही है तो आई वुड लाइक टू मेक एन ऑफर फॉर 75 लाख फॉर 3% ऑलराइट माय 25 करोड़ वैल्यूएशन थैंक यू सो मच फॉर दैट ऑफर इफ यू वांट अनदर पर्सन इन द डील देन आई कैन जॉइन आर यू मेकिंग एन ऑफर ऑन आई एम विलिंग टू टैग अलोंग या थैंक यू अमन फॉर योर ऑफर आई वुड लव टू supply you material for boat. I'd really love to go with you guys. You guys are my dream sharks, so I really... Deal pakki? Deal pakki. Wow. Okay, you did That's without good. Me. That's good. Sharks, Honey Twigs एक ऐसा packaging innovation है जिससे आप honey को कहीं भी, किसी भी जगह पर, किसी भी time consume कर सकते हैं. चाहे वो आपका office हो, या बच्चों का टिफिन में स्कूल भेजना हो या आपके ट्रैवल पर हो इट्स वेरी सिंपल ऑल यू हैव टू डू इज टेयर स्क्वीज एंड ईट हम आपको केवल हनी ही नहीं दे रहे हैं हम आपको दे रहे हैं मेस फ्री हनी ऑन द गो हनी हम आपको दे रहे हैं एनी टाइम एनी वेयर हनी हनी ट्विग्स में आज हमारे पास दो नेचुरल वेरिएंट्स जैसे हिमालयन मल्टीफ्लोरा एंड नेचुरल लीची हनी और 5 इन्फ्यूज्ड वेरिएंट्स जैसे सिनेमन इन्फ्यूज्ड हनी वेनिला इन्फ्यूज्ड हनी लेमन इन्फ्यूज्ड हनी टर्मरिक इन्फ्यूज्ड हनी एंड जिंजर इन्फ्यूज्ड हनी है हमारी आस्क है 3% इक्विटी के लिए 75 लाख इन्वेस्टमेंट हमारे बिजनेस में तो आइए शार्क्स क्या आप हमारे साथ इस स्वीट बट नॉन मेसी डील में जुड़ेंगे क्या लो अमन आपको लेमन इन्फ्यूज हनी ट्राई करना चाहिए हमें पता है कि आपको हनी पसंद नहीं है पिछले साल का देखा है एपिसोड जी सर यू आर वेरी चलाक ब्रो इट इज वेरी इजी टू ओपन वो तो आपने क्रैक किया डिड इट स्पिल इट डिडंट स्पिल वेरी गुड पैकेजिंग इज वेरी गुड पैकेजिंग इज वेरी नाइस और मैं फर्स्ट टाइम मेरे को हनी भी पसंद है हमारे लिए काफी बड़ा कॉम्प्लीमेंट है बिकॉज हम डे वन से इस बारे में बात कर रहे हैं कि अमन को हनी जरूर खिलाऊं खिलाई इमेजिन मुझे अच्छी लगी अपार्ट फ्रॉम पैकेजिंग टेस्ट आल्सो इज लाइक अ बिग डिफरेंशिएटर एंड यू नो फ्लेवर्स आपने ये क्यों नहीं बोला तब से आप पैकेजिंग में लगे हुए इतनी देर से चलिए अपनी सेल्स बता दीजिए आप FY21 में हमारा सेल था 1.3 करोड़ FY22 में हमारा सेल था 2.6 करोड़ और FY23 में हमारा सेल था 4 करोड़ नाइस पिछले 3 महीनों में जून में हमारा सेल था 55 लाख जुलाई में था 18 लाख अगस्त में था 35 लाख और सितंबर में भी रहा है 35 लाख ये डिप बता दीजिए 55 से 15 से 35 से 35 जून में एक एक्सपोर्ट ऑर्डर था जो 35 लाख का था व्हिच क्रिएटेड अ बिग इंक्रीज मैंने सोचा था मैं हनी बिजनेस में कभी इन्वेस्ट नहीं करूंगा पसंद ही नहीं है बट मुझे आप लोग बहुत पसंद आया एज फाउंडर्स थैंक यू ऑफर 45 लाख एट 3% एंड 30 लाख डेट एट 10% फॉर 2 इयर्स 75 लाख फॉर 4% बहुत जेनरस ऑफर है अबाउट 18 करोड़ की वैल्यूएशन इससे ज्यादा आपके प्रोजेक्टेड नंबर्स पे भी नहीं करता है एंड एट सम पॉइंट इफ अमन वांट्स टू कोलैबोरेट आई एम हैप्पी टू डू अ जॉइंट डील अभी विनीता ने बहुत अच्छी पिच कर दी मेरे लिए और रितेश के लिए कि आपको हरेका सैंपलिंग करनी चाहिए तभी आके आपका ब्रांड बनेगा और वहां से फिर आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए मैंने सोचा कि रितेश को बिना पूछे ही क्योंकि आई नो व्हाट काइंड ऑफ गाइस इज छोटे अरसे में हमारी दोस्ती हो गई आपको एक ऑफर कर देते हैं ड्रीम डील जो आपने मांगा वही 75 लाख 3% हरेका डिस्ट्रीब्यूशन सैंपलिंग गेम ही खत्म हो गया दोस्त आज के दिन में हर रोज रात को सिर्फ भारत में 60,000 से 1,00,000 लोग हमारे होटल्स में ठहरते हैं और हमने बायोटीक के साथ सेम पार्टनरशिप करी थी तो हम कोशिश करेंगे आई कांट कमिट कि हमारे सारे इन रूम सर्विस में हम हमारे होटल ओनर्स को इंट्रोड्यूस करें आपके साथ में मैं रितेश और अनुपम के साथ जुड़ना चाहता हूँ इस ऑफर में विच इज 75 लाख फॉर 3% इफ दे आर ओके भाई करना है भाई सुन एक मिनट रितेश को पूछ तो ले यार बेचारे वो ही डजंट वांट टू गो विद यू वही तो मैं पूछ रहा हूं नहीं मैंने तो हां कह दिया रितेश चलिए भाई क्या करना है दो कॉम्बिनेशन हम सजेस्ट करना चाहते हैं एक ऑप्शन है कि अगर आज आप पांचों आना चाहे तो 1 करोड़ फॉर 5 शार्क्स दूसरा ऑप्शन अगर वो आप पांचों नहीं मान पाते
तो हम रितेश, पीयूष और अनुपम आपका ऑफर लेंगे। चलिए वो करते हैं 75 lakhs for 3%। डील पक्की। ऑलराइट ब्रो। आई हेट हनी। आई थॉट आई विल स्टार्ट ईटिंग हनी, आई विल स्टॉप इट अगेन। मेनी बेस्ट विशेस। थैंक यू। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.